उत्तराखंड राज्य के विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती करने को लेकर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त आयोग स्तर पर 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 3080 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया गतिमान है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया विवाद रहित और पूर्ण पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका ना रहे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक ली, इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि खाली पदों को जल्द भरा जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि इस पारदर्शिता के चलते लोगों में विश्वास जगे। देखिए, पहले तो अभी इन पिछले दो सालों में यानी कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक जो नियुक्तियां हुई हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा 2511 और 573 लोगों की डीपीसी हुई है। जो इसी तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल से अभी तक जो भर्तियां हुई हैं वो 3109 हुई हैं। अगर हम 14 से 17 तक देखें 3 साल में तो 600 भर्तियां हुई केवल, और इस तरह से 5 गुना से अधिक नियुक्तियां इन दिनों में हुई हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक ली, तमाम अधिकारी मौजूद रहे और सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अब खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसे पारदर्शी रखा जाएगा ताकि लोगों में विश्वास जगे। खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश सीएम की तरफ से जारी किए गए हैं। सभी विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीएम की तरफ से निर्देश दिया गया है कि पारदर्शिता बरती जाए ताकि लोगों में विश्वास जगे और पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के जरिए पूर्ण करवाया जाए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राव शफात अली जुड़ चुके हैं। जी राव शफात अली जी, जिस तरीके से सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जल्द ही जो भर्ती प्रक्रिया है उसको तेजी से निपटाया जाए, क्या अपडेट है आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, बड़ी खास बैठक हुई है मुख्यमंत्री की और लोक सेवा आयोग के माध्यम से जितने पद भरे जाने हैं उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं सीएम ने के जो जितने भी विभाग है जहाँ जहाँ पद खाली हैं उनकी डिटेल सरकार तक पहुंचाई जाए। तो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे और एक लंबे समय से जो इंतजार हो रहा था उत्तराखंड के अंदर रोजगार को लेकर के, तो लगता है कि रास्ता साफ हुआ है। हालांकि थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनके पास इस तरह की डिटेल नहीं थी, लेकिन एक वक्त दिया गया है कि वो अपनी डिटेल तैयार कर लें। और करीब करीब 18,000 पद ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर, 32 विभागों की बात कर रहा हूँ जो जहाँ पर नियुक्तियां होनी है, लेकिन लंबे समय से ये नियुक्तियां आधार में लटकी हुई है। तो वो उम्मीद जगी है बैठक के बाद मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद की जो 18,000 नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द होंगी लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जी राव शफात अली जी, जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि पारदर्शिता के मद्देनजर इन भर्तियों को किया जाए ताकि लोगों में विश्वास जगे, उसको लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बैकडोर से जिस तरह की भर्तियां होती हैं हमेशा से सवाल उठते हैं अधिकारियों के ऊपर या विभागों के ऊपर, और अहम ये कि जब विभागों के अंदर नियुक्तियां ही नहीं है, वहाँ अधिकारी मौजूद नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो काम भी अधर में लटके रहते हैं। तो इस तरह का भी एक निर्देश है सीएम का कि जो पारदर्शिता है काम के अंदर वो भी पूरी तरह से, और जो भर्तियां हैं जो नियुक्तियां हैं उनमें भी पारदर्शिता हो। जी राव शफात अली, हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख फिर से करेंगे। तो आपको बता दें कि सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। निर्देश दिए गए हैं कि खाली पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी और इसमें पारदर्शिता भी बरती जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। सीएम त्रिवेंद्र ने सभी कार्यकर्ताओं को खत भेजकर संवाद करने की पहल की है। सीएम का कहना है कि कार्यकर्ता अपनी समस्याओं पर मुझसे बिना किसी रोक टोक के मिले। सीएम त्रिवेंद्र ने कार्यकर्ताओं के नाम सीधे खत लिखकर ना सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया है बल्कि चुनावी जीत का श्रेय भी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। सरकार के बीच में सेतु का काम ये पार्टी का हमारा कार्यकर्ता करता है, उसमें हमारे बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक हर किसी का अपना अपना एक काम का दायरा है, उस दायरे के अंदर सब लोग काम करते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मैंने उनके धन्यवाद किया है।
और उनसे आगे भी अपेक्षा की है कि आगे भी आप जो काम करते आए हैं उसको भी आगे बढ़ाना है।